गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो? वेरी गुड, मैं भी बढ़िया हूँ। तो बच्चों, इससे पहले हमने कुछ सीखा था, तो हमने क्या सीखा था? तो हमने हमारा जो पार्ट पांचवा था उसमें हमने छोटे उ की मात्रा की पहचान की थी, छोटे मात्रा का अध्ययन किया था। और तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो बच्चों, तो ये जो पार्ट नंबर 6 है हमारा, तो इसमें यहाँ पे उ लिखा हुआ है, यानी कि यह है बड़ा उ। कौन सा उ है? बड़ा उ। तो इससे जो हमने छोटे उ की मात्रा सीखी थी, उसकी मात्रा 30 प्रकार थी, आप सभी को मालूम है। हाँ, अभी आपको यह ज्ञात है। ¿Qué es lo que
कितना है, ये तो आपको मालूम है। हाँ, और इन शब्दों में दो वर्ण के शब्द, तीन वर्ण के शब्द और चार वर्ण के शब्द होते हैं, लेकिन दो वर्ण के शब्द बहुत आसान होते हैं और चार वर्ण के शब्द बहुत कठिन होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चार वर्ण के शब्द भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक ये बात देखनी चाहिए कि हमारी मात्रा कहाँ पे है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो हमारा पहला शब्द है फूल। कौन सा शब्द है हमारा? फूल। तो फूल शब्द फो को बड़े हो की मात्रा लगाई हुई है और लो है, तो ये बन जाएगा फूल। ठीक है, उसके बाद है धूल, उसके बाद है धूप। बात हम कुछ
ठीक है। हाँ तो देखो बच्चों करेंगे स्टार्ट। घर में रहो, सुरक्षित रहो और अच्छे से
पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।